बढ़िया। एक्चुअली नई खुशखबरी एक ले आई है भर्ती को लेकर, एसएससी जेडी की जो भर्ती है, एसएससी जेडी 2021 की जो नई भर्ती निकल के आई है, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। आप लोगों को बहुत समय से इंतज़ार था और आप लोग चाहते भी थे कि जल्द से जल्द भर्ती निकले और हम उसकी तैयारी करें, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें रोज़गार की है। रोज़गार के मामले में हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसको लेकर। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो बहुत लंबे समय से तैयार कर रहे थे, क्योंकि 2018 से इस भर्ती को नहीं निकाला गया था, तो 2021 में जो भर्ती आई है बड़ा अपडेट हम लोगों के लिए आया है, तो हम आज इस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको जो इसकी जनरल, तो 2021 में जो भर्ती आई है बड़ा अपडेट हम लोगों के लिए आया है, तो हम आज इस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको जो इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन है वो बता देता हूँ कि क्या क्या आपको चाहिए और किस तरह से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में आप पूरा अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम इसमें चर्चा करने वाले हैं आपकी शैक्षणिक योग्यता की, आपकी उम्र क्या रहेगी, एज क्राइटेरिया जो है वो क्या रहेगा, और योग्यता क्या मांगी गई है, कुल कितने पद हैं और किस किस डिपार्टमेंट में है, और उन सारी चीज़ों पे हम आज बात करेंगे। फीस चार्ज क्या रहेगा, कब से कब तक की डेट है, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। हम इन सारी चीज़ों पे टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं और साथ में आपको जो उसका नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड इस करवा दूंगा इस वीडियो के साथ में, या डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। तो पहली चीज़ हम अगर चर्चा कर लेते हैं, जो सबसे मुख्य चीज़ है वो है पदों की संख्या। तो पदों की संख्या जो कुल पद हैं वो है 25,271 पदों पे ये भर्ती हो रही है, और कुछ लोगों का मानना है कि ये पद बहुत कम है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो है CRPF में जो पद निकलना है वो इसमें काउंट नहीं है, CRPF के पदों की संख्या इसमें नहीं आई है। जो अन्य विभाग हैं उनके पदों की संख्या इसमें आई है, विभागवार पदों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि पदों की संख्या जो है वो है आपकी 25,271। अच्छे पद हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पदों की संख्या बढ़ेगी, निश्चित ही बढ़ेगी, क्योंकि CRPF के पद इसमें शामिल नहीं है। दूसरा मैटर हमारा आता है योग्यता का, कि भाई इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो योग्यता के लिए आपको बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बेसिक आपका 10वीं मांगा गया है, 10वीं जो बच्चा होगा वो इस परीक्षा में बैठ सकता है, वो किसी भी राज्य या CBSE बोर्ड का हो सकता है, वो इस परीक्षा में शामिल होने के लिए एलिजिबल है। दूसरा आपका आता है उम्र का, आयु का जो एज का मैटर है, तो अगर हम देखें तो 18 से 23 वर्ष के बीच में जिसकी उम्र है वो इस परीक्षा में बैठ सकता है, और उसकी एज की जो काउंटिंग होगी वो होगी 1 अगस्त 2021 की स्थिति में। तो अगर हम पूरा एरो निकालें तो वो व्यक्ति कि जो एज काउंट होगी वो 1 अगस्त 2021 से काउंट होगी। उसमें वो कितनी एज का है, 18, अगर आप UR कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, तो आपकी एज 18 से 23 वर्ष के बीच में होना चाहिए। जनरल में देखें तो जिसका जन्म 2 अगस्त 1998 से लेके 1 अगस्त 2003 के बीच में हुआ है वो इस परीक्षा फॉर्म को भर सकता है जनरल कैटेगरी से। फिर हम देखते हैं कि कुछ छूटें हमें मिली हुई हैं अन्य कैटेगरी को, तो अन्य कैटेगरी में आपको OBC में अगर आप आते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट में, तो आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी, 3 वर्ष आप प्लस करेंगे, तो अगर आप 98 लास्ट था तो आप 3 प्लस कर लेंगे तो आप पीछे पहुँच जाएंगे। 95 में भी जिसका 2 अगस्त 1995 से लेके 2003 तक का जो व्यक्ति होगा OBC का, वो भर सकता है। ऐसे ही SC ST में जो छूट रहेगी वो 5 वर्ष की रहेगी, तो वो पहुंच जाएगा 93 तक। 93 का कोई भी बंदा है वो भी उस फॉर्म को भर सकता है। ये सब तो हो गया फॉर्म भरने की आयु क्राइटेरिया कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते। अगली चर्चा हम कर लेते हैं कि फॉर्म की डेट क्या है, फॉर्म कब से फिल होना शुरू हो रहे हैं और लास्ट डेट क्या है। तो आपके जो फॉर्म की डेट है 17 जुलाई 2021 से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, और जो की डेट रहेगी 31 अगस्त 2021 तक। लगभग 1.5 महीने का आपको समय मिला है फॉर्म भरने के लिए। इस बीच आप जाके कहीं भी ऑनलाइन से फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर आता है कि भाई फॉर्म फीस कितनी है। तो फॉर्म फीस का बहुत बड़ा इशू नहीं है, अगर आप जनरल से हैं तो आपको चार्ज लगेगा 100 रुपये, और अगर आप SC ST या महिला हैं तो आपके लिए ये फॉर्म बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। आगे हम अन्य बिंदुओं पे इसके पे चर्चा कर लेते हैं जो और छूट रहे हैं हमारे। तो अगर हम देखें तो पेपर कितने नंबर का रहेगा, भाई फीस हो गई, ये सारी चीज़ों पे चर्चा हो गई। तो पेपर जो आपका रहेगा, कुल जो मार्क्स रहेंगे पेपर के वो रहेंगे 100 अंक का पेपर आएगा, और टाइम जो आपको मिलेगा पेपर के साथ में वो मिलेगा 1.5 घंटे का, 31 घंटा आपको मिलना है इस पेपर में।
सबसे मेन चीज़ जो इस बार निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि इस बार आपका पेपर तो 100 नंबर का है वो ठीक है, लेकिन इस बार अगर आप गलत मार्किंग करते हैं या आप आंसर गलत लगाते हैं तो आपका माइनस मार्किंग भी इस बार उसमें शामिल किया गया है एग्ज़ाम में। तो अगर आप एक आंसर गलत देते हैं तो उसका 0.25 आपका माइनस मार्किंग रहेगी। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है, सभी जो अभ्यर्थी या आवेदक जो तैयारी कर रहे हैं, कि हमें ये गलती नहीं करनी है कि तुक्का मारें। बहुत ज़्यादा हम तुक्का मार के आ जाते थे तो वो वाली चीज़ इस बार नहीं चलेगी, हमें प्रॉपर तैयारी करना पड़ेगी और प्रॉपर तैयारी से हम आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ और है कि इस बार जो पेपर होगा वो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, कंप्यूटर से आपका एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं रहेगा। फिर अगर हम देखें तो अन्य चीज़ें, जैसे अब हमारा है हाइट का, क्योंकि जो पैरामिलिट्री फोर्स में हम जा रहे थे उसमें हाइट क्या क्या मांगी गई है महिला और पुरुष के लिए, तो दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, वहीं अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आपकी 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। अगर हम इन्हीं पदों की बात करें, जो कुल पद आए हैं कि भैया कितनी महिलाओं के पद हैं कितने पुरुषों के पद हैं, तो इस पर भी हमें चर्चा कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आवेदक हमारे महिला आवेदक होते हैं तो उनको के लिए भी ये क्लियर होना चाहिए। 22,424 जो पद हैं कुल पदों में से 22,424 पद पुरुषों के लिए हैं और 2847 जो पद हैं वो महिला अभ्यर्थियों के लिए हैं। ये कुल पदों की हमारी संख्या हो गई जो महिला और पुरुषों में बटे हुए हैं। फिर अगर हम डिपार्टमेंटली देखें कि किस डिपार्टमेंट में कितने पद हैं, तो उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम देखें डिपार्टमेंट के हिसाब से कि कहाँ कितने पद किस डिपार्टमेंट में गए हैं, तो CISF में आपके पद मिले हैं 8,664 पदों जो हैं वो CISF में हैं। VSF में हैं 7,545 पद। SSB जो है उसमें है हमारे 3,806 पद। उसके बाद में आता है आपका AR असम राइफल्स। असम राइफल्स में आपके जो पदों की संख्या है वो 3,785 है। और ITBP इंडियन तिब्बत सीमा पुलिस, जिसमें पदों की संख्या 1,431 है। SSF में जो पदों की संख्या अभी निकली है वो 240 पद है। और CRPF के पद अभी उन्होंने शो नहीं किए हैं कि कितने पद हैं। तो अभी हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो CISF और VSF में। CISF में 8,464 पद हैं और BSF में जो हमारा है 7,545 पद हैं। कुछ और चीज़ें जो हमारी छूट रही हैं हम उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। अगर हम देखें छूट किसको क्या मिलेगी, तो जो NCC कैंडिडेट होल्डर हैं, जिन्होंने NCC कर रखा है, जिनके पास C सर्टिफिकेट है, उनको 5 नंबर की छूट है। B सर्टिफिकेट वालों को 3 नंबर का लाभ है और A सर्टिफिकेट वालों को 2 नंबर का लाभ है। ये चीज़ हो गई। अब बचता है हमारा सिलेबस, कि सर सिलेबस क्या रहेगा जिससे हम अच्छी तैयारी करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई मार सके। तो सिलेबस में भी बेसिक चीज़ें हैं जिनको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। GK है, जनरल नॉलेज के आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे 100 में से। फिर आता है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में आपके 25 नंबर की रीजनिंग रहेगी, इंक्लूडिंग आपका पूरा के पूरा रीजनिंग रहेगा इसमें 25 नंबर का आपको वो लगाना है। मैथ्स इसमें है ही, 25 नंबर का मैथ है वो जो आपको देने ही है, कंपलसरी है तीनों। GK हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स आपका कंपलसरी रहेगा। बाकी फिर हिंदी इंग्लिश आपके मीडियम के हिसाब से डिसाइड कराएगा कि क्या आपने क्या लिया है, और उसके नंबर रहेंगे 25 नंबर के प्रश्न उससे रहेंगे। तो ये 4 डिपार्ट हो गए, उसके पूरे भाग हो गए हैं। GK 25 नंबर, रीजनिंग 25 नंबर, मैथ्स 25 नंबर, हिंदी इंग्लिश जो आपने लिया है 25 नंबर। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर डिसाइड रहेगा, ये आपको देना है। अगला लास्ट आपका जो रहेगा कि भाई दौड़ का क्या रहेगा, उसमें फिजिकली जो दौड़ का रहेगा, हाइट हमने आपको बताई दी है। तो फिजिकली पुरुषों के लिए जो दौड़ रहेगी 5 किलोमीटर की रहेगी, जिन जो उन्हें 24 मिनट में पूरा करना है। और महिलाओं के लिए जो रहेगी वो रहेगा 1600 मीटर का, 1600 मीटर की उनकी रनिंग रहेगी, जो उनको 8.5 मिनट में पूरा करना है। तो ये दोस्तों एक बेसिक जानकारी थी SSC JD से लेके जुड़ी हुई, जो आप तक मुझे पहुंचानी थी, क्योंकि आप सब बहुत लंबे समय से इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे। और आप बिल्कुल तैयारी कीजिए, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका ये एग्ज़ाम निकले। जो सहयोग हमसे बनेगा तैयारी करवाने में आपका, वो हम प्रॉपरली करवाएंगे, और यही हमारा उद्देश्य है। आगे इसमें जो भी अपडेट होगा, फॉर्म कैसे भराएगा और क्या क्या चीज़ें रहेंगी, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर इससे संबंधित आपकी कोई भी इंक्वायरी है, आपको लगता है, तो आप
हमें कमेंट्स करके और भी जो डिटेल्स हैं इसके बारे में जान सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वो प्रोवाइड कराएंगे। तो अंत में आपसे सभी से इतना ही कहना है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिस पे हम बेसिक्स जो भी डाटा हम ला सकते हैं हिंदी का, जीके का, वो सारा आपको मिलेगा। और कोशिश रहेगी कि हर वीडियो आपकी तैयारी से रिलेटेड हम यहाँ पे लाते रहें, सारे अपडेट आपको देते रहें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें, और हम ये चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन 100% हो। जय हिंद।